है कि एक हमारे पास इनइक्वालिटी जो है दो तरीके से दे रखी है कि इसको अपने 2 मिनट के लिए मसाला मान लिया है ना। मसाला क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, बराबर है ना। अब ये देख के थोड़ा सा अपने को आसान लग रहा है ना, थोड़ा इजी लग रहा है देख के। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ है ना। बहुत ध्यान से देखना बच्चों ने, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना इसको। आप लिखना अगर छोड़ दो तो और बेहतर होगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, m 1 से बड़ा है तो इसको ऐसे लिख दो, m greater than 1। और यहाँ पे क्या लिखा है, m 2 से छोटा है। एंड का साइन लगाते हैं अपन बीच में, जब भी डबल इनइक्वालिटी आती है तो हम एंड का साइन लगाते हैं, एंड का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, m 1 से बड़ा हो रहा है, एट द सेम टाइम m 2 से छोटा भी हो रहा है ना। बोथ थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। साइमल्टेनियस के लिए हम हमेशा इंटरसेक्शन या फिर एंड करते हैं। तो यहां से आपके बोलोगे m 1 से बड़ा है या फिर m 2 से छोटा या बराबर है, आपको बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, दैट्स इट, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, m 1 से बड़ा है, m था क्या, मसाला, मसाला वॉज दिस पर्टिकुलर थिंग, ये पूरा जो था ना। तो इसको मैं फिर से छाप देता हूँ एज इट इज, 3x² - 7x + 8 / x² + 1, इसको छाप दो आप। तो m 1 से बड़ा, तो 3x² - 7x + 8 / x² + 1। ठीक है, क्या दिया आपको, ये 1 से बड़ा है एंड, और ये भी दिया हुआ है कि x² - 3x + 1 + 8 / x² + 1, ये चीज 2 से छोटी या बराबर है। सही बात है? अच्छा, बढ़िया। अब आपको क्या करना, सुनो मेरी बात, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता तो आप लोग कब का सॉल्व कर लेते यार, सोचो ना। ये तो सिंगल इनइक्वालिटी है तो अपने को आता ही है ना। और अगर सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन होता तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन दे रखे तो नॉट अ बिग डील। आप इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, और दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन या यूनियन, इंटरसेक्शन या यूनियन, इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि एंड का सिंबल है, एंड लिखा है ना इधर, इसलिए अपन इंटरसेक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है? एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, लिख लो। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत जाती है ना तो इसको आप लिख लो, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, है ना। और एंड मतलब क्या होता है, इधर एक छोटा सा आप ये भी लिख दो कि साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस अगर कोई चीज होती है तो इसमें अपन एंड बोलते हैं। चलिए, आप दोनों सॉल्व कर लेते, बहुत इजी है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, क्या मैं इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मैं सिर्फ तभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं जब ये डिनोमिनेटर क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो तभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या हमेशा नेगेटिव हो, मतलब पता होना चाहिए आपको श्योर शॉट कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी विल रिमेन इंटैक्ट। अगर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी विल रिवर्स्ड, विल बी रिवर्स्ड, फाइन। अच्छा देखो ध्यान से, क्या है डिनोमिनेटर, x² + 1। x² + 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो निकाल दो, लेकिन कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि दिस इज x² मतलब स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज आइदर जीरो और पॉजिटिव, और उसमें अगर आपने 1 ऐड कर दिया है तो ये 110% पॉजिटिव है। नहीं आया समझ में, सुनना ध्यान से, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज आइदर, स्क्वायर ऑफ नंबर छोटा से छोटा वैल्यू उसका जीरो हो सकता है, बाकी तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि 1 ऐड करने पे तो ये जीरो भी नहीं हो सकता पूरी चीज, ये पूरी चीज जो है वो डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये जीरो हो भी गया बाय चांस तो 1 + 0 विल बी 1 व्हिच इज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ बिल्कुल, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट इज पॉजिटिव देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x² - 7x + 8 greater than, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x² + 1। एंड यहां पे भी कर दो, 3x² - 7x + 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 2 × x² + 1। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने पॉजिटिव चीज से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई की बजाय अपन करते क्या है एक्चुअली, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व इट, है ना, ये क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो सब कुछ आप उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड अगर सब कुछ ले आएंगे तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से, 3x² - x² विल बी 2x² - 7x, 8 और इधर 1 है, 1 इधर आएगा तो -1 बनेगा, तो 8 - 1 विल बी 7। एंड ये वाला देखते हैं क्या लिखा है इधर, यहां पे लिखा 2x² + 2। चलो एक स्टेप और यहां पे मैं वेस्ट कर देता हूं, 2x² + 2,
टू एक्स स्क्वायर इधर आएगा, क्या बनेगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, एट माइनस टू विल बी सिक्स, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। गुड, चलिए यहां से सॉल्व करते हैं अपन। ये तो मेरे को बहुत आसानी से फैक्टराइजेबल दिख रहा है, तो लेट मी जस्ट फैक्टराइज इट। इसको फैक्टराइज करोगे कैसे आएगा, देखो ध्यान से, माइनस सेवन आपको सम चाहिए और सिक्स आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो माइनस सेवन और माइनस वन ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। देखो इधर आओ, लिखना छोड़ो, आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू जीरो बिना वीवी कर्व ड्रॉ करे, है ना, ध्यान से देखना, मैं आगे यही करने वाला हूँ, अभी समझ में आ गया तो आ गया, वरना सारे बाउंसर जाएंगे। बिना वीवी कर्व ड्रॉ करे आप इसकी इनइक्वालिटी का आंसर लिख सकते हो, कैसे, लेस देन आता है इसका मतलब क्या, तो लेस देन का मतलब छोटे रूट से लेकर बड़े रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू छोटा रूट क्या है, वन या सेवन, वन, बड़ा रूट क्या है, सेवन, छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था तो इंक्लूड आ जाएगा, ठीक है। अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो आप ड्रॉ कर लो वन सेवन, देखो एक ना एक दिन तो अपने को ट्रिक सीखनी पड़ेगी स्पीड बढ़ाने की, है ना, तो उसको आप जल्दी लाओ, क्या आएगा आपका नेगेटिव, ना नेगेटिव मतलब ये वाला इलाका, तो आपका आंसर यहां से भी क्या आएगा, वन टू सेवन और दोनों इंक्लूडेड, क्योंकि वन और सेवन दोनों होना अलाउड है ना। चलिए यहां पर आते हैं, इसको फैक्टराइज करो यार, करो फैक्टराइज। मेरे को थोड़ा इसमें ना शक हो रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है ना ए और सी, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ, पैसे थोड़ी लगते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू एट, एट सेवन सा 56, ये हो गया डी। डी पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, अगर डी नेगेटिव आया है तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अरे समझो भाई इसी बात को, यही तो सारे पैसे इसी के है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ एक्स माइनस सिक्स आएगा, है ना, थैंक यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे पैसे इसी के है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये वाली जो चीज है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, आई कैन प्रूव इट ग्राफिकली, क्योंकि अगर डी नेगेटिव है मतलब कोई भी रूट नहीं है, कोई भी रूट नहीं है मतलब हवा में लटका हुआ है, और अगर हवा में लटका हुआ है ना, हवा में लटका हुआ है इसका मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो आपसे बोल रहे किन एक्स के लिए पॉजिटिव आएगा, मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सारे एक्स के लिए पॉजिटिव आएगा, चेक करके देख लो, डी नेगेटिव मतलब हवा में लटका है, हवा में लटका मतलब हर एक्स के लिए पॉजिटिव, आप कोई भी एक्स रखो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये चीज अपन ने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर वन में पढ़ी है ना, ठीक है। ये बात जो है इसको आप दिमाग में फिट कर लो, डी नेगेटिव मतलब वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, बार बार बोलो अपने आप से और उसको ग्राफिकली समझो भी, रटना नहीं है, डी नेगेटिव मतलब वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ऑल रियल नंबर का और 1 टू 6 का, बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार, 1 टू 6 ही आएगा, अरे भाई कोई बड़ा सेट है, बहुत बड़ा सेट है ना, और बहुत छोटा सेट है तो इंटरसेक्शन क्या आता है, छोटा सेट ही आता है ना, लेकिन अगर फिर भी जो फड़फड़ाहट होती है ना उसको अपन दूर कर सकते हैं, 1 और 6 ड्रॉ करो, 1 टू 6, 1 पे डार्क 6 पे भी डार्क, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है वैसा, और ऑल रियल नंबर तो पूरा ऑल रियल नंबर ऐसा हो जाएगा, कॉमन रीजन 1 टू 6, तो छोटा वाला रीजन जो होता है वो हमेशा फेवरेट होता है इंटरसेक्शन में। कूल, लिखो भाई इसको, आपका आंसर हो जाएगा x belongs to 1 टू 6, तो अपना इनइक्वालिटी यहां से खत्म होता है ना, दिस वाज द लास्ट थिंग जो अपन ने इनइक्वालिटी में पढ़ी है, और इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो प्रिलिप को के, आपके पास पूरा होमवर्क रहेगा आज, है ना, मैं आपको अभी से होमवर्क बता देता हूँ, योर होमवर्क विल बी कंप्लीट प्रिलिप को, आपको मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक मिनट रुक जाऊँ, जस्ट लेट मी चेक, आपको जैसे कल मैंने आपको शायद 70 तक दिया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, है ना, तो जस्ट चेक, मैंने आपको 80 तक दिया ना, गुड, तो 80 तक, अच्छा 70 तक मैंने क्लास 12th को दिया था फंक्शंस का, 80 तक अगर अपने को करना है तो रुको रुको जरा सब्र करो, आपको करना पड़ेगा वन, सुनो मेरी बात, है ना, आपको होमवर्क लिखे, आपको अब करना 81 से 100 तक आज, ठीक है, आज आपको इतना होमवर्क जो है वो सॉल्व करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के सर को भेजना है, कल जिन्होंने भेजा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजा उनके नाम मेरे पास है, ठीक है, और उसके बाद आपको परसों 101 से लेकर
कहाँ तक करोगे? पूरा करोगे 135 तक, ठीक है, 101 तक, 101 से 135 तक आप पूरा करोगे, ठीक है। मैंने आज आपको बहुत कम होमवर्क दिया है, ध्यान रखना, लेक्चर खत्म नहीं हो रहा अपना, अभी तो अभी आधा लेक्चर हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, देयर इज नो नीड टू चेंज, क्योंकि हम लोग वैसे भी आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो क्वाड्रेटिक, लेट अस कम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में हम लोग वापस आ जाते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था क्या? आई डोंट रिमेम्बर कि उस समय मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया होगा, बट नेवर माइंड, लिखे इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, और लिखिएगा साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, ऐसा भी लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तक, ये सबको समझ में आ रहा है ना कि किया क्या है मैंने? मैंने बहुत फास्ट सॉल्व किया है, नो, बट ठीक है, अपने को उसका कोई इतना ऐसा है नहीं कि हमने कभी पढ़ा नहीं ये चीज पहले। इंपॉर्टेंट नोट्स में आप लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और आसान भी लगेगा अगर आप लॉजिक से जाओगे। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लॉजिक से जाते हो तो आप कोई भी जेई का एग्जाम दे दो, मेन एडवांस, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी इफ यू आर लॉजिकली साउंड, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो कभी भी रटो मत, है ना, रटने से आप बोर्ड एग्जाम्स जो है बस उसमें ही अच्छा कर पाओगे, शायद उसमें भी ना कर पाओ, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन, ठीक है। पॉइंट नंबर वन इज, लिखिए, लेट अस कंसीडर, पॉइंट नंबर वन अभी लिखवाऊंगा मैंने, पहले पर एक भूमिका बना लेते हैं, है ना। लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन? वाई इज इक्वल टू, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, है थोड़ा सा सिस्टम जो है वो हैंग कर रहा है, दो चार सेकेंड रुक जाओ। तेजस इज सेइंग दैट आई विल सेंड यस्टरडेज होमवर्क आफ्टर द लेक्चर, कोई बात नहीं, भेज देना यार याद से बस। क्या लिखा है? वाई इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही बात है, पक्का? अच्छा, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कभी भी ए जीरो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो हम लोग मूर्ख है, है ना, फिर तो वो क्वाड्रेटिक थोड़ी ना रहा, फिर तो वो लीनियर हो जाएगा, तो ए जीरो नहीं होने देना है। चलिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं अपन। पहली बात, अगर आपसे कोई बोले, ध्यान से सुनना है ना, आंख बंद करके समझो इस बात की गहराई को, अगर आपसे कोई बोले एकदम से आके, मतलब आप बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, कोई आके बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज जीरो, नहीं आया समझ में, सुनना है ना? अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली एक रूट जीरो है ना, तो लेट विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिखो पहले, आप लिखने का काम कर लेते, है ना, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, डायरेक्टली लिखो व्हेन वन रूट इज जीरो, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं अपन, व्हेन वन रूट इज जीरो, ठीक है। क्या होगा भाई अगर एक रूट जीरो होगा तो कैसे करोगे आप सॉल्व? हमारे पास यह है एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एकदम लॉजिक, है ना, आई जस्ट वॉन्ट लॉजिक। तो लॉजिक से देखेंगे अगर आप, तो इसके दो रूट होते हैं आमतौर पर, एक रूट और दूसरा रूट। अगर एक रूट इसका जीरो है और दूसरा रूट इसका कुछ तो भी है, कुछ भी, एक रूट जीरो है एंड सेकेंड रूट इज अननोन टू अस, लेट अस से सेकेंड रूट इज बीटा, है ना, जनरली अपन फर्स्ट रूट को अल्फा मानते हैं। कैन यू सेंड द पीडीएफ्स ऑफ द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप आरती? ओके यार, मैं तीन दिन से क्वेश्चंस भेज रहा हूँ और आप अभी भी क्वेश्चन ही पूछ रहे हो मुझसे, ठीक है। तो यू शुड जस्ट कॉन्टैक्ट निकम सर, है ना, आप निकम सर का जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए,
एंड वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और वही ग्रुप पे भेजते हैं, और मैंने कल भी भिजवाया था एक बार, आई डोंट, ठीक है, एक बार और भिजवा दूंगा मैंने, डोंट वरी, चिंता मत करो। चलिए, दो रूट्स है अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट तो जीरो और दूसरा रूट नॉन जीरो है, एक रूट जीरो है और दूसरा रूट नॉन जीरो है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या लगाया भाई कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा देते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपन लगा सकते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये तो अपन कक्षा दसवीं में पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नथिंग बट सी अपॉन ए, याद है अपन को, सबको याद है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, ये जो सी होता है और ये जो ए होता है इनका रेशियो, सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो इंटू बीटा कितना आ जाएगा, जीरो, ओहो, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सी अपॉन ए जीरो है, इसका मतलब डेफिनेटली सी जीरो, समझ आ रहे, क्योंकि यार न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो है, तो इसका मतलब डेफिनेटली न्यूमरेटर ही जीरो होगा, है ना, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो सुनो मेरी बात, समझो बहुत अच्छे से, समझो, रटना नहीं है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कल को आपको कोई बोलता है कि एक रूट जीरो है, वन रूट इज जीरो, एग्जैक्टली वन रूट या वन जीरो इज जीरो, जीरो नहीं बोल रहा हूँ ताकि वो बार बार अपने को समझने में दिक्कत ना जाए, है ना, अगर एग्जैक्टली वन रूट जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका कॉन्स्टेंट वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो वट द एक्सप्रेशन बिकम्स, द एक्सप्रेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो। अरे भाई, अभी अभी तो निकाला मैंने, सी जीरो आया तो सी की जगह जीरो डाल दिया मैंने, तो एक्सप्रेशन आपका बनता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दैट्स इट। और कोई आंख का अंधा इंसान भी देख के बता देगा कि इसका एक रूट तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि आप एक्स कॉमन ले लो। अरे भाई, यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा पक्का, है ना, एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी, तो दिख गया आपको, दिस इज इक्वल टू जीरो, इक्वेट करो जीरो से, तो इसका एक जीरो तो जीरो आ गया, मतलब एक रूट तो जीरो हो गया, दूसरा रूट इसका माइनस बी अपॉन ए आएगा, विच विल बी नॉन जीरो, है ना। चलिए, तो आपको कभी भी अगर बोल दिया जाए कि एक रूट जीरो, तो आप बोल देना कि कॉन्स्टेंट पार्ट जीरो होगा। सेकेंड पे आते, अगर आपको कोई बोलता है कि बताओ वेन बोथ रूट्स आर जीरो, अगर दोनों रूट जीरो हो जाए, अगर दोनों रूट जीरो हो जाए तो क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन, कॉमन सेंस, आप आंखें बंद करो और कॉमन सेंस लगाओ अपना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक रूट जीरो है और दूसरा रूट भी जीरो है, व्हाट डज इट मीन, क्या लगा सकते हो आप कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी सी अपॉन ए विच विल बी जीरो इंटू जीरो, इसका मतलब सी जीरो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसे ही अभी तक, तो अच्छा दोनों रूट जीरो तो सम भी जीरो आएगा, अरे भाई अगर दोनों रूट जीरो है तो दोनों को ऐड करने पर भी जीरो मिलेगा अपने को, तो सम ऑफ द रूट्स होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए, दैट विल बी जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब बी फॉर बॉम्बे दैट विल ऑल्सो बी जीरो, ओहो, तो वॉट डज योर एक्सप्रेशन बिकम्स, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स, अरे बी एक्स था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी की जगह भी जीरो डाल देते अपन, तो इट एक्चुअली बिकम्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो समझो मेरी बात को, रटना नहीं, ना 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 ना, ना बच्चों, रटो मत, ऑलवेज गो विद द लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है, अगर आप भूल भी जाते हो ना कि एक रूट जीरो होने पर क्या होता था, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हमेशा प्रोडक्ट और सम ही लगाना है आपको यार, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जीरो कर दो तो आपके पास कॉन्स्टेंट जीरो आ जाएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ कॉन्स्टेंट जीरो होता था, एक दो बार तो आप करोगे ना खुद से डिराइव, और अगर दोनों रूट जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो है ही, उससे सी जीरो आ जाएगा, और सम भी जीरो है उससे बी जीरो आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज इंफिनिटी, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज इंफिनिटी, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, समझते हैं ना। अब आपको लिखना छोड़ना पड़ेगा ना, यू जस्ट हैव टू पुट योर पेन डाउन एंड जस्ट लुक इनटू द स्क्रीन।
ध्यान से देखिएगा, जो लोग अगर दोबारा देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको भी अच्छे से याद होगा, या फिर एक बार रिविजन तो हो ही जाएगा ना। तो देखिए भाई, क्या है आपके पास एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? इसका एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी, ओके, एंड दी अदर रूट इज आई डोंट नो, दैट इज फाइनाइट। आपको इनफाइनाइट पता है क्या होता है? क्या आपको पता है इनफाइनाइट क्या होता है? ना, हमको इनफाइनाइट बस इतना पता है कि इट इज अ वेरी बड़ा नंबर, बहुत 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 बड़ा नंबर है, बट क्या है एग्जैक्टली दैट वी डोंट नो, है ना। ये तो हनुमान जी को भी नहीं पता है कि इन्फिनिटी क्या होता है। दैट इज वाई अपन इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं ना, जब पता ही नहीं तो इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया एक रूट इसका इन्फिनिटी। तो क्या कंडीशन लगाए? ऑलवेज सेम, हमेशा लॉजिक जो रहेगा आपका सेम रहेगा कि आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो? बहुत, दुनिया का बहुत बड़ा नंबर है इंटू एक बहुत छोटा नंबर है। फाइनाइट का मतलब होता है समथिंग दैट वी कैन काउंट, है ना, ऐसी चीज जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि 50,000, इज इट फाइनाइट? हाँ, वेरी मच फाइनाइट, बिकॉज वी कैन काउंट इट। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 5 लाख, इज इट काउंटेबल? हाँ, तो देन इट इज फाइनाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50,000 और लगा दूँ ना, देन ऑल्सो इट इज फाइनाइट, क्योंकि भाई भले ही बहुत बड़ा नंबर है बट वी कैन काउंट इट। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर होगा, इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया हनुमान जी भी काउंट नहीं कर सकते उसको, तो इन्फिनिटी किसी को पता ही नहीं है कि है क्या, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया? दुनिया का बहुत बड़ा नंबर है और उसमें आप छोटा सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल स्टिल बी इन्फिनिटी। अरे भाई, एक छोटा एग्जाम्पल दूं मैं, एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं अपन 50,000। 50,000 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वट विल इट बिकम? ये बड़ा था, अभी भी बड़ा ही रहेगा ना यार, दिस विल बिकम 1 लाख, समझ में आ रहा है। तो अगर 50,000 जो है वो और बड़ा हो जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि इन्फिनिटी को अगर आप कोई रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी और बड़ा, या वो स्टिल इन्फिनिटी रहेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। आपको लग रहा होगा कि सर ये एरो क्यों लगा दिया आपने, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, है ना। फिर अगेन, आपको पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी क्या होता है, तो आप इक्वेट नहीं कर सकते ना इन्फिनिटी को। सुनो, हमें पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी होता क्या है, और जब आपको पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी होता क्या है, तो यू कैन नॉट इक्वेट इन्फिनिटी टू एनी नंबर, है ना। तो आप टेंडिंग का साइन लगाते हो, है ना। इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अपन टेंडिंग का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। सी अपॉन ए, इट विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, क्लियर? चलिए, वेरी गुड, है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना? इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि सी अपॉन ए अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन आता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन आता है? मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये पूरा नंबर, है ना, लिसन केयरफुली, अगर ये पूरा नंबर बहुत बड़ा है, इफ इट इज वेरी बड़ा, वेरी बिग, देन इट क्लियरली मीन्स दैट द डिनोमिनेटर इज वेरी स्मॉल। उल्टा चलता है ना, अगर इसका आंसर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, और अगर इसका आंसर बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब जीरो, अगर ये चीज जीरो है तो डिनोमिनेटर क्या है? बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। फील दिलाऊंगा आपको, पहले आप समझिए कि उल्टा होता है। अगर आंसर इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? जीरो, है ना। इसका मैं फील दिलाता हूँ आपको, देखिए इधर, जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ 1/2। 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 0.5, ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर को और बड़ा कर देता हूँ 1/3, तो ये नंबर देखो 0.5 था, अब छोटा हो गया 0.33 हो गया। अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ 1/4, तो ये क्या हो गया? 0.25। समझ में आ रहा है आपको? आप समझिए, देखो पहले शांति से देखो, मैं 2 मिनट 2-3 सेकंड के लिए चुप रहूंगा। देखो 0.5 और छोटा हो गया 0.33, फिर और छोटा हो गया 0.25, फिर और छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.2। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मैंने और डिनोमिनेटर देखो कर क्या रहा हूं मैं, जैसे जैसे मैंने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करा, 1 पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, तो ये पूरी ओवरऑल चीज जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर 1/6 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.1667, ठीक है। अच्छा, गुड, लेट अस गो बैकवर्ड्स, अपन उल्टा चाहते हैं ना। शांति से देखने, बहुत प्यारी चीज है, इसमें कितना भी टाइम लगे अपने को कोई मतलब ही नहीं है, बस आप ध्यान से देखो। ये 1/2 था ना,
मैंने क्या करा कि डिनोमिनेटर को इंक्रीज करा, ये 2 था, फिर इसको बढ़ाया, फिर इसको बढ़ाया, फिर इसको और बढ़ाया, फिर डिनोमिनेटर को और बढ़ाया, तो अपने पास आंसर जो है वो कम होता चला गया। आंसर ने 0.5 से स्टार्ट किया था, अभी 0.16 हो गया, ठीक है। चलिए अगर मैं अब डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को अगर मैं पहले तो बढ़ा रहा था, अब कम करता हूँ, तो 2 को मैंने क्या कम करा, 1 करा, 1/1 कितना होता है बच्चों, 1, अरे 1/1 तो 1 होता ना यार। अच्छा और कम करूँ मैं इसको, चलिए 1/0.5 ये हो जाएगा 2, चेक कर लो, समझ में आ रहा है, मतलब ये नंबर जितना छोटा ये आंसर उतना बड़ा, या उल्टा सोचो, ये आंसर जितना बड़ा ये नंबर उतना ही छोटा, है ना, ठीक है। अब 3 सेकंड आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत बड़ा तो ये बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा तो ये बहुत छोटा, मतलब ए बहुत छोटा, मतलब ए ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो को अपन थोड़ा ऑलमोस्ट जीरो जैसा बना देते, देखो फील दिला रहा हूं मैं भी, है ना, थोड़ा सा और फील दिलाऊंगा, 1/0.5 मैं इसको और छोटा करता हूँ, 0.5 को 0.25 कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा 4, और बड़ा हो गया आंसर। ये जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होगा, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा हो गया, अगर ये इन्फिनिटी हो गया ना, तो ये तो जीरो के आसपास पहुंच जाए, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, ए जो है ना उसका वैल्यू हो जाएगा 0.00000000000, बहुत सारे, अरे मतलब अनगिनत जीरो, और लास्ट में एक वन आ जाएगा, बहुत सारे जीरोस और एक वन आ जाएगा, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ए आपका क्या आ गया, जीरो, ठीक है। अब रटने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, समझना है आपको, क्या समझना है देखिएगा ध्यान से ना, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी, अगर एक रूट इन्फिनिटी होता तो अपन ने क्या करा, प्रोडक्ट लगाया, हर बार अपन प्रोडक्ट ही लगा रहे हैं, तो जैसे मैंने प्रोडक्ट लगाया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट, दोनों रूट का प्रोडक्ट इन्फिनिटी, तो अगर ये वाली चीज इन्फिनिटी है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बहुत नजदीक होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यार डिनोमिनेटर अगर एग्जैक्ट जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इन्फिनिटी थोड़ी होगा फिर, है ना, एग्जैक्ट जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है, दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा जो नंबर आप इमेजिन कर सकते हो ना वो है ए, ठीक है। तो ये आपका अभी थर्ड पार्ट का आंसर आया कि ए जीरो है, अभी रुक जाओ फोर्थ पार्ट पे नहीं जाएंगे अपन, तो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, गुड। क्या करा अपन ने, ए जीरो कर दिया, ए जीरो कर देंगे तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, इक्वेशन बी एक्स प्लस सी दिखेगी, ओहो, क्योंकि ये तो जीरो एक्स स्क्वायर हो गया ना, इक्वेशन दिखेगी बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो आराम से बना सकता हूँ, देखो अगर मैं क्लास 9th के बच्चे पे जाके पूछता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, आई एम वेरी सीरियस, आप भी जाके किसी 9वीं क्लास के बच्चे से पूछ सकते हो कि जस्ट टेल मी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, वो आपको खट से बता देगा कि हाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज वो लोग तो अभी अभी सीखे हैं ना स्ट्रेट लाइन बनाना। अरे भाई यही तो होता था आपको, मैं बोल दूंगा कि वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, आपने ड्रॉ किया है बचपन में स्ट्रेट लाइन, x के ऐसे आप करते थे ना, देखो मैं बता देता हूँ, बचपन में ऐसा करते थे अपन, x y, x की जगह 0 रखा y की जगह 3 आ गया, y की जगह 0 रखा x की जगह -3/2 आ गया, फिर आपने दो पॉइंट लगाए और ऐसे ग्राफ पेपर में ग्राफ बना दिया, यही करते थे। तो जो इक्वेशन है वो किस टाइप का है, बी एक्स प्लस सी टाइप का, बी एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन, मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, तीनों केस में बनाता हूं, पहले केस में भी बना देता हूं मैं, तो आप लोग बना लो, जगह जरा सी जगह तो बची होगी आपके पास, ग्राफ बनाइए, फर्स्ट केस में देखते हैं अपने, चलिए अपन इस केस में लास्ट में आएंगे, आ जाते चलो, ना 2 मिनट लगेगा। आपका ग्राफ क्या है, एक रूट जीरो है, समझो मेरी बात को, है ना, वन ऑफ द रूट्स इज जीरो, तो आपका ग्राफ डेफिनेटली जो है वो जीरो से कट करके निकलेगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यार से समझो, क्या लिखा है यहाँ पे कि वन ऑफ द रूट्स इज जीरो, है ना, एक रूट जीरो है और एक रूट नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो कुछ भी हो सकता है, देखो एक रूट इसका जीरो आया, बिल्कुल आया, एक रूट क्या आया, समथिंग हेयर नॉन जीरो, तो एक जीरो और एक नॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऐसा दिख, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ग्राफ, रेड वाला ग्राफ भी हो सकता है, ब्लू वाले को हटा दो तो एक जीरो आ गया, एक नॉन जीरो आ गया, है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग, बट जीरो से पास होना चाहिए आपका ग्राफ, ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए
अगले वाले पे आते हैं अपन, बोथ रूट्स जीरो। बोथ रूट जीरो का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा। दोनों रूट जीरो मतलब आपका पहले तो एक रूट जीरो था तो एक बार ओरिजिन से गुजरा, दो रूट जीरो है तो दो बार ओरिजिन से गुजरेगा। अब दो बार ओरिजिन से तो गुजर नहीं सकता है, दो बार ओरिजिन से गुजर नहीं सकता है तो एक बार बस टच करके निकल जाएगा ऐसे। तो आपके दोनों के दोनों रूट जो होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड बोथ रूट्स विल बी जीरो। आइडेंटिकल रूट अपन इसी को कहते हैं, एक रूट जीरो हो गया दूसरा रूट भी जीरो हो गया। ठीक है लिख लो बोथ रूट्स जीरो है ना। थर्ड पे आते वन रूट इज इंफिनिटी है ना, एग्जैक्टली वन रूट इज इंफिनिटी। जस्ट ट्राई टू हम यहाँ पे तो अपन ने बना रखा है, समझो इसको आप एग्जैक्टली आपका एक रूट इंफिनिटी, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन है ना। मैंने आपको समझा दिया कि दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो है ना बड़ी बड़ी गहरी बात है, समझो इस बात को, ये स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ दिखेगा आपका। अच्छा आप तो बोलोगे कि सर 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 रुको रुको क्या बकवास कर रहे हो, अभी आपने सिखाया था कि ग्राफ ऑफ ए पैराबोला इज ऑलवेज, सॉरी ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए है ना, लेकिन ग्राफ पैराबोलिक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कैसे आ गया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कैसे आ गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, समझाओ। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्राफ एक्चुअली पैराबोलिक है, ग्राफ पैराबोलिक है लेकिन इसका एक रूट ना इन्फिनिटी हो गया है, एक रूट इन्फिनिटी हो गया। तो देखो कैसे हो क्या रहा है, चलो जो मैंने बनाया था वही रहने दो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, बहुत आसान से सवाल पूछता हूँ आपसे ना, सुनना मेरी बात। अर्थ का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। अर्थ का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। लेकिन आपको तो अपनी जमीन जो है वो फ्लैट दिखती है, आपको जो अपनी जमीन है वो फ्लैट दिखती है, वाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्फेयर है अर्थ। अर्थ छोटा स्फेयर होता तो हमको डेफिनेटली जैसे बॉल है, बॉल अपने को स्फेरिकल दिखती है बिकॉज इट इज वेरी छोटा है ना, वो इट इज वेरी स्मॉल। लेकिन अर्थ इज वेरी लार्ज तो हमको सब कुछ फ्लैट दिखता है, हम यहाँ पे खड़े होते हैं ना तो हमको सब कुछ ऐसे फ्लैट दिखता है। तो दिस इज ऑल्सो पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये है पैराबोला, लेकिन ये इतना बड़ा पैराबोला है ना, मैं क्या बताऊँ यार, मतलब ये बहुत बड़ा पैराबोला है, ये इतना बड़ा पैराबोला है कि ये दो चार यूनिवर्स क्रॉस कर जाएगा ना। कितने यूनिवर्स होते हैं इस दुनिया में पता नहीं अपने को, इन्फाइनाइट यूनिवर्स तो होते ही, यूनिवर्स ही इन्फाइनाइट होते हैं। उन सारे यूनिवर्स को क्रॉस करने के बाद ये हल्का सा टर्न लेगा, ये हल्का सा टर्न लेगा और फिर थोड़ा सा जल्दी टर्न ले लेता हूँ मैं, हल्का सा टर्न लेगा और फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो कितने सारे यूनिवर्स, मतलब पहले इसने गैलेक्सी क्रॉस करा, कितना लंबा ग्राफ है ये, है ये एक्चुअली पैराबोला, बट ये इतना बड़ा पैराबोला है ना कि हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। मैंने आपको हल्का सा फील दिलाया है, इसका वन ऑफ द रूट्स इज इन्फिनिटी, अरे मैं तो बहुत पीछे माइनस इन्फिनिटी मान लो, बट है तो बहुत बड़ा रूट ना इसका, क्लियर है। तो ये स्ट्रेट लाइन दिखता है लेकिन एक्चुअली है पैराबोला, बहुत बड़ा पैराबोला है ना। इस चीज को आप चाहे तो लिख लेना, इट इज अ वेरी बिग पैराबोला, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज वेरी बिग। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है ना। और दूसरा रूट इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, बट है ये अभी भी पैराबोला ही। फोर्थ लिखो, व्हेन बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी, व्हेन बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी, समझ रहे हो आप? आप थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर अपना तेज कर दोगे ना तो आपका ग्राफ बन जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोचो दोनों रूट इन्फिनिटी तो ग्राफ कैसा आएगा, बट चलो कोई बात नहीं, अपन ग्राफ से इतना फोकस नहीं करते। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दोनों रूट इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है बच्चों, कि एक रूट इन्फिनिटी और एक और रूट इन्फिनिटी है ना। लेट अस सी कि ये ग्राफिकली कैसा दिखेगा, उससे पहले अपन एनालिटिकली देखते क्या होगा। बोथ रूट इन्फिनिटी तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बोथ रूट इन्फिनिटी मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा आपका सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट तो हमेशा सी अपॉन ए होता है, दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। ओ चलो ऐसा लिख दिया मैं, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है ना, मैं इक्वल का साइन नहीं लगा सकता हूँ, वो पाप कहलाता है ना, क्योंकि यार जब हनुमान जी को नहीं पता तो मेरे को कैसे पता है इन्फिनिटी क्या है, तो मैं इक्वल थोड़ी लगाऊंगा। तो यह हो जाएगा सी अपॉन ए
टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि ये बहुत बड़ा नंबर तो ये बहुत छोटा नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए लगभग लगभग जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। आपको मैं मैथमेटिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि ए एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। एग्जैक्ट जीरो होता अगर ए तो ये नॉट डिफाइंड होता है ना, एग्जैक्ट जीरो होने पर ये नॉट डिफाइंड होता, एग्जैक्ट जीरो नहीं है ये, डिफाइंड है, इट इज समथिंग वेरी बिग, इट इज डिफाइंड कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये इंफिनिटी है तो ये कितना हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, तो आपका ए क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू ए की जगह जीरो रख देंगे तो क्या बचा आपके पास, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। दो सेकंड में थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा हूं, लेट मी जस्ट थिंक। हाँ गुड, ठीक है, सही बात है। अब बी एक्स प्लस सी, आपको कहा जा रहा है कि एक रूट इन्फिनिटी है, ठीक है, और दूसरा रूट भी इन्फिनिटी है, तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, विल इक्वेट इट टू जीरो। अरे ऐसे तो रूट निकालते थे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको अपन जीरो से इक्वेट करके इसका रूट निकालते थे ना, मैं एक आसान सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका रूट क्या आता था, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसके फैक्टर्स आएंगे, और रूट क्या आ जाएगा, इसको भी जीरो से इक्वेट करेंगे और इसको भी जीरो से इक्वेट करेंगे, तो आपके रूट्स आ जाएंगे ना। तो ये तो अपन नॉर्मली रूट निकालने के लिए करते थे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो इसका रूट निकाले के मैंने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो रूट कितना आ गया, माइनस सी अपॉन बी, है ना। एक रूट इन्फिनिटी और दूसरा रूट भी इन्फिनिटी, और ये है दूसरा रूट आपका, है ना। मैं फिर से समझा रहा हूं, मुझे पता है कुछ बच्चों की हवाइया उड़ गई है, सुनो। बोथ रूट्स इन्फिनिटी मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी का भी बाप, लिखेंगे तो अपन उसको इन्फिनिटी ही, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। इसका मतलब ये इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ए कितना आ रहा है, बहुत छोटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, दूसरा रूट के बारे में भी थोड़ी सी टिप्पणी करनी है, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी है। तो मैंने दूसरे रूट निकालने के लिए पहले इक्वेशन को लिखा है, इसमें ए जीरो है, ए जीरो हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो आपके साथ हुआ क्या है, यहाँ पे दूसरा रूट निकालने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करा, तो ये आ गया आपका सेकेंड रूट, और मुझे बताया कि सेकेंड रूट भी इन्फिनिटी है ना, क्वेश्चन इधर ही लिखा हुआ है, सेकेंड रूट इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो आपका क्या हो गया कि बी जो डिनोमिनेटर आ गया वो भी कितना आ गया, अरे ये बहुत बड़ा तो ये बहुत छोटा, तो बी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट जीरो। तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस डाउन हो गई, कि क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, अब ए भी जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, है ना, और बी भी जीरो हो गया तो ये पूरी चीज भी जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y is equal to constant बचेगा आपके पास, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं इसका, y is equal to 3, इसका ग्राफ कैसा बनता है, y is equal to 3 का ग्राफ अगर बनाना है तो कैसा बनेगा बताता हूं मैं आपको, देखो y is equal to 3 का ग्राफ ऐसा बनता है, always parallel to x axis, ये ये होता है y इक्वल टू 3, और ये जो पॉइंट होता है ना ये होता है 0.3। मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, है ना, आप भी वैसे ही पढ़ना, आपको कभी भी तकलीफ नहीं जाएगी। इसको आप पढ़ो y इज ऑलवेज इक्वल टू 3, y हमेशा 3 हो, बस ऐसे पढ़ो आप, है ना, y इज ऑलवेज 3, क्योंकि आप ये वाला पॉइंट ले लो ना, सपोज दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 2, जस्ट सपोज, तो इससे अगर आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट इस लाइन पर ढूंढोगे तो ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको, माइनस 2.3। अगर मान लो माइनस 3 यहाँ पे आया तो माइनस 3 के करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर आते तो क्या मिलेगा, माइनस 2.3, है ना, सही बात है। तो देखो y ऑलवेज 3, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 3, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 3, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 3, अगर आपने इधर से 2 लिया तो 2 पर भी y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज ऑलवेज इक्वल टू 3, और y इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ c, अगर c का वैल्यू 3 हो गया तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, C का वैल्यू 4 हो गया तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, 5 हो गया तो थोड़ा ऊपर दिखेगा, माइनस 1 हो गया तो यहाँ दिखेगा, मतलब दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं 2 मिनट में बस खत्म कर रहा हूँ। तो कैसा बनेगा आपका ग्राफ, आपका ग्राफ बहुत रफ बनाया था मैंने, ये वाला फेयर ग्राफ बनाएंगे अगर तो कुछ ऐसा दिखेगा,
अ ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स इट। ठीक है, ये है आपका पैराबोला। ये पैरा, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ पैराबोला। क्या बात कर रहे हो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये पैराबोला है, ये बहुत बड़ा पैराबोला है। इसका दूसरा रूप देखो, ये बहुत आगे जाके, बहुत इन्फिनिटी पे जाके ऐसे टर्न करेगा, और इसका एक रूट यहाँ पर आएगा जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, और दूसरा रूट इसका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा जब ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, एक रूट आ रहा है इसका माइनस इन्फिनिटी पे, एक रूट आ रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, तो बोथ रूट्स इन्फिनिटी है ना, बोथ रूट्स इन्फिनिटी, पॉइंट ग्राफ नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचो यार। बोथ रूट्स इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया कि ये एक्चुअली है तो पैराबोला, लेकिन ये इतना बड़ा पैराबोला है यार, पिछले वाले से भी बड़ा पैराबोला है, और ये इतना बड़ा पैराबोला है कि इसके दोनों रूट जो है ना वो इन्फिनिटी पर आ रहे हैं, एक माइनस इन्फिनिटी पर, एक प्लस इन्फिनिटी पर, जो भी हो व्हाटएवर, दोनों रूट इसके इन्फिनिटी पर आ रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा पैराबोला है कि ये स्ट्रेट लाइन दिखने लगा, तो इसलिए इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जैसे आ रही है। ठीक है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ बहुत बड़ा पैराबोला, विच इज एक्चुअली नाउ लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। एक इतना बड़ा पैराबोला है कि जो अब स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, जैसे कि अपना जो जमीन है ना, आप अपनी फर्श पे देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्पेस से देखोगे ना तो आपको स्फेरिकल दिखेगा पूरा अर्थ, लेकिन आप जमीन से देखोगे तो फ्लैट दिखेगा। तो अभी हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं, इसलिए हमको ये फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको कोई किताब में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए आप सोचो मत कि कहीं पढ़ पढ़ लोगे, अच्छे से यहीं पे समझो कि जो भी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ अभी इसका, वो यही है कि बहुत बड़ा पैराबोला है। ठीक है, अच्छा, मेन पार्ट अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो था वो था इनइक्वालिटीज, और ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो कल से अपन आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जो नए होंगे सबके लिए, है ना, ऑलमोस्ट सबके लिए। तो आप लोग जो है लेक्चर्स को रीज्वाइन करते रहना, और ये वाला जो वीडियो है लिसन टू मी, ये दो पार्ट्स में आ गया है, तो इसको आप चेक कर लेना यूट्यूब पे, दो पार्ट्स में आएगा, एक 12 मिनट का आएगा और एक जितने भी मिनट्स का हो गया। योर होमवर्क ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू योर होमवर्क है ना, ठीक है, इसको रिवाइज करो अच्छे से आप। और रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, हमेशा यही सोचो आप बच्चों, ट्रस्ट में, अगर आपको जेई क्लियर करना है तो आप दिन भर यही सोचते रहो, जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा कि हाँ ये ग्राफ बना था, तो आपका रिविजन हो रहा है ना, आपका आप मेंटली रिविजन हो जा रहा है कंसेप्ट का, क्वेश्चन तो सॉल्व अपन करेंगे। ठीक है, प्रलिपको से करो। चलिए फिर अपन मिलते हैं, है ना, 42 मिनट्स का वीडियो है, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।